SB Saroj Kumar subscribe KGA. Is channel Quatetha like KGA. चलिए दोस्तों आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, यानी जो बीमा रेशम जो उत्पाद करते हैं किसान उनके लिए बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, डेनमार्क है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार है विश्व उपभोक्ता दिवस 2023 कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर पाँच है एस आई पी आर आई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत। जबकि सन 2013 से 2017 के बीच इसमें 11% की कमी हुई है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स है संयुक्त युद्ध अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सात है चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑक्स किन देशों के बीच हुई। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सभी के देशों के बीच हुई है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आठ है सबसे कम विकसित देशों पर पांचवा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, यानी जो सबसे कम देश हैं उसका पांचवा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, दोहा, जो कि कतार देश में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नौ है द्विपक्षीय फ्रीडम शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय फ्रीडम शील्ड 23 सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित हुआ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी यानी IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सभी ऊपर जो यानी फरहान अख्तर और मैरी कॉम ये दोनों हैं मुक्केबाजी के एम्बेसडर बने हैं। उसके क्वेश्चन नंबर आपका 11 है संघई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्री की बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। किसकी, संघई संयोग की जो बैठक पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई अभी जल्द में ही वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है चक्रवात फ्रेडी ने किस देश को प्रभावित कर लिया। चक्रवात फ्रेडी ने किस देश को प्रभावित किया, तो हो जाएगा आपका मोजाम्बिक और मालवी दोनों देशों को हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है चौथी एशियाई खो खो चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ।
चौथी एशियाई खो खो चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है, हो जाएगा असम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए कहाँ बनाया गया? जो हैगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीनगर में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।